जो लास्ट में एक लेडीज आई थी उसी के लिए पूरी बस रुकी हुई थी हाँ। और उसके लिए पूरी बस इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वो उसी का फोन बार बार कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप कितनी देर में आ रहे हो, कितनी देर में करी भैया बस अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। तो जैसे ही वो आई है और उसने सामान वामान रखा है और वो बैठ गई और बस सबके लिए सबने जय हो बालाजी की, जय हो बालाजी की, जय उमर गढ़वाले की, सबने नारा लगाया और बस अपने राजी खुशी चल पड़ी। बस वो बोलती है कि ये सामने ये क्यों बिठाए हैं, जब बालाजी जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को ये सामने इन्हें क्यों बिठाया है। हाँ तो फिर मैंने बोला इन्हें यहाँ से सामने से उठाओ, जैसी स्टेयरिंग पैसे यहाँ से उठाओ इन्हें जब बालाजी जा रहे हैं तो। हाँ तो फिर मैंने बोला मैंने कि देखो जा ये हमारे बच्चों की तरह, जब हमारे बच्चे जा रहे हैं तो ये भी जाएंगे। तो पता नहीं उसका आना अलग ही व्यू था कि जब बालाजी जा रहे हैं तो। हाँ तो फिर मैंने बोला मैंने कि देखो जा ये हमारे बच्चों की तरह, जब हमारे बच्चे जा रहे हैं तो ये भी जाएंगे। तो पता नहीं उसका आना अलग ही व्यू था कि बात करने का, देखने का कुछ अलग ही था उसका। हमारी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है उसके मन में, कि बार बार हमारे लड्डू गोपाल को देख रही थी, हमने टोकरी में जैसे बिठा रखे थे। राधे राधे जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ बैठे हुए हैं और मैं जो ठीक हूँ आपके सामने वीडियो लेके आई हूँ, सबसे बड़ा योगदान इनका है। क्योंकि देखो जब घर में और तो कोई करने वाला नहीं होता तो हस्बैंड को ने थोड़ा सा मेरा बहुत साथ दिया, बहुत तबीयत में बहुत साथ किया मेरा, बहुत किया। आज मैं इनकी वजह से ठीक ठाक बैठी हूँ, ठीक है। और आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ कि ना हर एक जगह जब भी कोई भी घर से निकले, कोई भी कहीं भी जाए तो चौराहे को देख के चलना चाहिए। आजकल बच्चे हैं छोटे हैं, अपनी मर्जी से चलते हैं, वो मुंह को उठा के चलते हैं, ये नहीं देखेंगे कि नीचे किसी ने क्या कर रखा क्या नहीं कर रखा। तो ऐसे ही हमारा ना बालाजी जाने का प्रोग्राम बन गया कि बाहर से जैसे बस जाती है तो ये कह रहे कि बालाजी चलते हैं और बालाजी का प्रोग्राम बना। तो जैसे हमने शाम को तैयारी व्यारी करी ये काम से आए कि बालाजी निकलते हैं और आज बस की भी हमने बात कर ली थी तो यहीं से हर महीने बस जाती है तो हम उसी बस में निकलने के लिए तैयार हो गए। तो जैसे ही हम जाने लगे तो बच्चे भी थे और हम भी थे तो ये कहने लगे कि लड्डू गोपाल घर पे अकेले रहेंगे तो इनको भी ले लो। मैंने कही नहीं ठंड का टाइम है, चलो कोई नहीं सुबह तक तो आ ही जाएंगे, ऐसी क्या बात है इनको रहने दो यहीं पे। करे नहीं नहीं मेरा मन नहीं मान रहा और लड्डू गोपाल को भी लेकर चलते हैं। हमने ताला वाला लगा दिया था, हम नीचे ही थे तो नीचे से इनका ऐसा मन हुआ, कह रहे नहीं नहीं लड्डू गोपाल को भी लेके चलते हैं। तो मैंने कि चलो ताला खोलो फिर ले आओ। जैसे ही ये ताला आए हैं ऊपर, ताला खोला, लड्डू गोपाल को लेके नीचे चले गए। तो जैसे बाहर बस लगी हुई थी, हम जाके अपना सामान वामान रखा और बस में बैठ गए। अभी सवारी कोई आ रही थी, कोई कह रहे थे अभी नहीं चलना अभी चलना, अभी एक सवारी रहेगी दो सवारी रहेगी, ऐसा ना जब सम्मिलित बस जाती है तो कोई ना कोई सवारी रह ही जाती है कि भाई अभी वो टाइम लगा रहा है अभी वो टाइम लगा रहा है। अपनी अपनी पर्सनल होती है तो देखो जब घर से निकल ही रहे हैं तो अपने ले लिया, पर सबके सामने तो ना सबके साथ जाने में तो थोड़ा टाइम लगता है निकलने में, उनके साथ जाने में। कोई आ रहा है, कोई रुक रहा है, कोई ये कह रहा है कि अभी रुक जाओ 5 मिनट अभी निकल रहे हैं, अभी ये हो रहा। जो लास्ट टाइम जो लेडीज आई थी, हाँ जो लास्ट में एक लेडीज आई थी उसी के लिए पूरी बस रुकी हुई थी हाँ। और उसके लिए पूरी बस इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि वो उसी का फोन बार बार कर रहे थे और बोल रहे थे कि आप कितनी देर में आ रहे हो, कितनी देर में करी भैया बस अभी आ रही हूँ अभी आ रही हूँ। तो जैसे ही वो आई है और उसने सामान वामान रखा है और वो बैठ गई और बस सबके लिए सबने जय हो बालाजी की, जय हो बालाजी की, जय उमर गढ़वाले की, सबने नारा लगाया और बस अपने राजी खुशी चल पड़ी। बस वो बोलती है कि ये सामने ये क्यों बिठाए हैं, जब बालाजी जा रहे हैं तो लड्डू गोपाल को ये सामने इन्हें क्यों बिठाया है। हाँ तो फिर मैंने बोला इन्हें यहाँ से सामने से उठाओ, जैसी स्टेयरिंग पैसे यहाँ से उठाओ इन्हें जब बालाजी जा रहे हैं तो। हाँ तो फिर मैंने बोला मैंने कि देखो जा ये हमारे बच्चों की तरह, जब हमारे बच्चे जा रहे हैं तो ये भी जाएंगे। तो पता नहीं उसका आना अलग ही व्यू था कि बात करने का, देखने का कुछ अलग ही था उसका। हमारी भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या है उसके मन में, कि बार बार हमारे लड्डू गोपाल को देख रही थी, हमने टोकरी में जैसे बिठा रखे थे तो बोल रही थी इनको क्यों लिया है, बालाजी का काम है, बालाजी मतलब लड्डू गोपाल का क्या काम है। मैंने कि भगवान तो एक ही है ना, बालाजी है या उनका शेरावाली नाम है या हनुमान जी है या लड्डू गोपाल है, सबका रूप तो एक ही है, नाम ही तो अलग अलग है, तो आपको क्यों चिंता हो रही है, आपको कोई दे रहे हैं, हम तो अपनी गोदी में लेके बैठे हुए हैं।
तो इसी चक्कर में वो बार बार बोल रही थी कि आप लड्डू गोपाल को क्यों ले आए। अब मेरे को भी गुस्सा आ रहा था उस औरत को देख के, बार बार बोले जा रही थी, बार बार बोले जा रही। पर थोड़ी सी देर जैसे हम एक दो जैसे किलोमीटर गाड़ी चली तो पता नहीं टायर ऐसा है कि गाड़ी जब सवारी लेके चलती है तो पूरी उसको देख रेख करके, उसके टायर देख के, उसकी हवा सब पानी सब देख के चलता है ड्राइवर कि भाई रस्ते में दिक्कत ना हो सवारी को, कहीं हमारी गाड़ी रस्ते में कहीं खराब ना हो, अचानक ही उसका टायर पंचर हो। गुड़गांव से आगे जो जंगल पड़ता है हाँ वहाँ पे अचानक ही टायर पंचर हो गया, और वहाँ पे ना कोई दुकान ना कोई टायर पंचर वाला कोई नहीं वहाँ पे। और ड्राइवर को भी एकदम धक्का सा लगा कि अभी तो मैं ठीक ठाक गाड़ी लेके चला था, जैसे उतरा है कि भी चलो टायर पंचर हो गया तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो उसने जैसे पीछे से देखा गाड़ी का टायर वायर तो उसकी भी हवा निकली हुई, और आसपास कोई भी दुकान नहीं वहाँ पे। ड्राइवर भी और कंडक्टर था वो भी घबरा गया कि अब बताओ इतनी रात को कहाँ देखे क्या करे ड्राइवर के पास। तो पर फिर जैसे ही उसने अपनी स्टेपनी निकाली तो उसमें भी पंचर है। फिर उन्होंने भी ऐसे किसी गाड़ी वालों के तो 1000 कॉन्टैक्ट होते हैं, उन्होंने फ़ोन ऑन किया तो कोई गाड़ी वाड़ी लेके वहाँ पहुँची है और वो स्टेपनी पे भी हवा हवा की है और उसमें भी लगाया। तो भगवान के नाम पे भी सब ठीक हो गया, सब दोबारा से बैठ गए, सब उतरे गाड़ी से, पर वो औरत नहीं उतरी गाड़ी से, वो वहीं बैठी रही। मुझे तो ऐसा लगा कि उस औरत में पता नहीं क्या दिक्कत है क्या नहीं है, मैंने कि ये दिक्कत वाली औरत बिठा ली, इसी वजह से हमारी गाड़ी में ऐसा हुआ। मैं आपस में हम ऐसे एक दो औरत खड़ी थी, हम ऐसे ही बोल रहे कहीं पता नहीं कैसी नकचढ़ी सी है, बार बार बोले जा रही है, सब ऐसे बोल रहे थे उसको। तो जैसी गाड़ी चली है 4-5 किलोमीटर गाड़ी चली है, और कभी तो वो गर्दन ऐसे घुमा रही है, कभी गर्दन ऐसे ऐसी एकदम ऐसी उसकी पूरी गर्दन घूम रही, और एक लेडी जो साथ में बैठी थी उसकी हवाई 4-5 किलोमीटर गाड़ी चली और वो लेडीज कभी इधर देख रही थी कभी इधर देख रही थी। और देखो जब ऐसी होती ना कि एक लेडीज जब जब बार बार बोलती है ना तो सारी बस डिस्टर्ब होती है। तो वो जैसे ही उसने है ना ऐसे लेके गर्दन पीछे से आगे तक ऐसे घुमाई ना, वो जब बराबर में लेडीज बैठी थी ना उसकी हवा खराब करी, ये क्या बला है भाई, अभी तो ये सामने देख रही थी, इतनी देर में देखा तो ये पीछे देख रही है और गर्दन वहीं की वहीं घूम रही है जैसे पागलों की तरह, इसकी तो सेल है क्या क्या फिट है इसके अंदर। अब वो कह रही बहन तू अभी तो सीधी बैठी थी, तेरी गर्दन इतनी पीछे कैसे चली गई, उसको ऐसे देखा। मैं बोला उनसे कि मैडम दिक्कत क्या है, कोई परेशानी है तो मेरे को बताओ। मैं बोले आपने ये वहाँ बिठा रखे हैं सामने, लड्डू गोपाल को सामने जो बिठा रखे हैं उसकी वजह से दिक्कत आ रही है, नहीं इन्हें यहाँ से उठाओ, इन्हें यहाँ से कहीं भी रखो, कहीं भी रखो, बस में ये, ये क्यों रखे हैं, ये क्यों लेके आए, जब हम बालाजी जा रहे हैं तो इन्हें क्यों लेके आए हैं। मैं आपको और... दिक्कत क्या है, आप क्या परेशान क्यों परेशान हो रहे हो, परेशान है तो हम लेके उतर जाते हैं। और वाकई में वो बस जो बची है और जो हम लोगों की जान बची है ना वो लड्डू गोपाल की वजह से ही बची है, क्योंकि ना वो लेडीज साधारण लेडीज नहीं थी, उसके अंदर कोई ऐसी आत्मा प्रवेश कर चुकी थी कि वो ना तो बालाजी जाने के लिए बस को तैयार करने होने दे रही थी, ना वो लड्डू गोपाल को जाने के लिए तैयार थी। वो सोच रही थी कि बस यहीं कहीं रुके और ये लोग कोई ना जाए या एक्सीडेंट हो या कुछ होए, गाड़ी बार बार कभी पंचर हो रहा है, कभी उसकी ये पेट्रोल डीजल में दिक्कत आ रही है, कभी ड्राइवर को कुछ हो रहा, यानी कि वो थोड़ी सी दूर गाड़ी चलती थी तो उस लेडीज में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती जा रही थी। फिर ये कुछ देख लेते हैं कि किसी जिसमें कि सामने वाले में कोई दिक्कत होती ना तो इनको पता चल जाता है। तो होटल पे इन्होंने ड्राइवर को बोला कि किसी होटल पे साइड में लगाओ गाड़ी, हाँ कुछ दिक्कत है हमारी गाड़ी में, कुछ परेशानी है, तभी ये गाड़ी आगे नहीं जा रही है। फिर ड्राइवर ने गाड़ी लगाई होटल में, कहीं सही सा होटल देखा वहां गाड़ी लगाई, खाना वाना हमने खाया। एक 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 अकेली लेडीज कितना खा सकती है, एक बंदे का भोजन खा लेगी, दो बंदे का भोजन, चार चार बंदों का भोजन खाएगी क्या। उस लेडीज ने चार थाली खाली की और सब देखते रह गए, सबको तब यकीन हुआ, गाड़ी में तब बोल रहे थे ना तब यकीन नहीं था, जब सबने ये ही जब देखा ना कि चार थाली खाली कर चुकी है और कह रही और लेके आओ, तब सबको यकीन हुआ कि कोई ना कोई इसके अंदर दिक्कत है परेशानी है, तभी ये लेडीज ऐसी बोल रही थी। तो फिर इन्होंने बोला उसको होटल वाले को कि भाई तू मुझे कुछ सामान दे देगा जो मुझे चाहिए, जो मेरे को चाहिए, कह रहा देखो जो अवेलेबल होगा तो मैं जरूर दूंगा आपको।
तो उन्होंने इन्होंने एक लौंग का जोड़ा, काली मिर्च और पतासे मांगे, पतासे तो थे नहीं, तो वहां से चीनी ली इन्होंने, और वो एक मुट्ठी में ऐसे माचिस की तिल्ली डाली उसमें, और ऐसे मुट्ठी बांध के जैसी उस औरत के पास आए ना, ऐसे घूमी वो औरत ऐसी कि पूरी टेबल ही पलट दी जिसपे वो खाना खा रही थी। और ये इन्होंने जैसे ही उसके बाल वाल पकड़े और जैसे 7 बार उसके ऊपर से घुमाया, और सामने इधर पीछे जैसे रोड पे तो होटलों के पीछे ऐसी खेत वेत होते हैं वहां फेंक दिया, तो थोड़ी देर में वो होश में आई लेडीज। मैं कहा हूं हम तो वृंदावन जा रहे थे, ये कहां ले आए मेरे को? वो लेडीज वृंदावन के नाम की बैठी हुई थी कि मैं वृंदावन जा रही हूं। कहां ले आए हो? अरे मेरे गोपाल कहां है? मेरे गोपाल कहां है? नहीं ढूंढ रही है। और फिर उसके बाद है, हमने पूछा कि तेरे को हुआ क्या था, तो उसने बोला कि जैसी मैं घर से निकली हूँ, अच्छी भली निकली हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी, और मैं सामान लेके निकली हूँ तो रास्ते में चौराहे पे मुझे कुछ पड़ा हुआ था और मेरे पैर के नीचे आया, मुझे एहसास हुआ कि कुछ आया है, और उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी होने लगी कि मुझे ना अंदर से कुछ एक्टिविटी हो रही है, और मैं किसी को सामने वाले को देख के खुश नहीं हूँ, ना भगवान को देख के खुश हूँ, और मैं जा कर आ रही हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा सा नहीं हो रहा था, तो मुझे फील नहीं हो रहा था, मैं बता नहीं पा रही थी किसी को। इसलिए कहते हैं कि कभी भी घर से निकलो ना तो चौराहे को देख के निकलो और चौराहे को नीचे देखो भैया। समस्या कहीं भी पैदा हो सकती है, ये कौने तोड़ के जो भी है ये कुछ ना कुछ असर जरूर दिखाते हैं, वो हम भुगत चुके हैं और हम देख चुके हैं। उसके ऊपर से जो अपनी जो याद जो विश्वास नहीं करते ना उनको विश्वास करना चाहिए, जब तक घर पर क्योंकि ना जमीन पे सब कुछ है। अपनी याददाश्त भी जो है वो भूल गई कि मैं कहाँ जा रही थी, मैं कहाँ। मानो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। और उस लेडीज ने इतना, बेचारी ने इतना वो किया कि मैं ना आज तक मेरे को बुखार तक नहीं चढ़ा, और आज मेरे साथ हुआ क्या है? क्योंकि ना देखो करने वाले तो ये नहीं सोचते ना कि सामने वाले के साथ कैसा होगा कैसा नहीं होगा, करने वाले अपनी बीमारी हटाते हैं, कोई बता देता चौराहे पर रख दो, कोई कहता कहीं रख दो। अरे जब तुम्हें रखना है तो कहीं दूर जाके मोटरसाइकिल पे कहीं ऐसी जगह रखो कि कोई इंसान वहां से ना गुजरे, कोई जानवर ना गुजरे, सबके बच्चे हैं, सबके कुछ ना किसी का कुछ दिक्कत हो जाती है, वो तो फिर ही हो गए। अरे जिसके साथ हुआ उनको देखो कि उनके कितनी दिक्कत हुई है। इसलिए हम कहते हैं कि ना हर समय जब भी बाहर निकलो ना तो चौराहे देख के निकलो कि क्या पड़ा क्या नहीं पड़ा है, क्योंकि ना आजकल ऐसा है कि अपने भले में, अपना भले में दुनिया का भला नहीं समझती दुनिया, अपना भला हुआ बाढ़ में जाए दुनिया, इसलिए लोग बात करके रख देते हैं। और बच्चे, छोटे बच्चे ये मानते तो है नहीं, देखो उनको पता नहीं इन चीज़ों का, हम बताएंगे तब पता चलता है, इसलिए वे निकल जाते हैं और कहीं ना कोई कोई चीज़ उनको पकड़ लेती है, और माँ बाप को तकलीफ होती है और उसको तो होती ही होती है, और दुनिया वाले ये और कहते हैं कि इससे इसके साथ मत खेला कर, इसको तो भूत प्रेत आते हैं। ये नहीं पता कि दुनिया वालों ने किया उसके ऊपर, क्यों ना वे चौराहे पर रखते, ना बच्चा जाता, ना उसके पैर के नीचे आता। इसलिए ये है कि चौराहे को देखते जो लेडीज इतना उधम मचाती कि लड्डू गोपाल को नहीं, ये क्यों बिठा रखे, ये क्यों बिठा रहे, आखिर में वहां से होटल के बाद है वो खुद ही कहती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, मथुरा चलो मथुरा। हाँ ऐसा हुआ ना, जैसे वो ठीक हुई और सब बस में बैठे तो वो कह रही कि भैया अब मैं बालाजी नहीं जाऊंगी, पहले मैं वृंदावन जाऊंगी, और वृंदावन जाऊंगी तो उसके बाद बालाजी जाऊंगी, क्योंकि मैं जो ये बस बची है, जो मैं बची हूँ और जितनी सवारी बची है ना, ये सिर्फ ठाकुर जी की वजह से बची है, और ना इन पर ध्यान जाता, ना वो बार बार बोलते कि इनको हटाओ इनको हटाओ, क्योंकि कोई दिक्कत थी तभी तो इनको हटा रहे थे, इरिनी की वजह से बस बची है। इसीलिए भैया उसने एक्स्ट्रा किराया दिया, सबको बोल रही है कि तुम लोगों का भी मैं दूंगी, पर वृंदावन जाके रहूंगी, मैं वृंदावन ही मत्था टेकूंगी, उसके बाद बालाजी जाऊंगी। तो ऐसी काया पलट हुई हमारी कि हम जाते बालाजी और पहुंच गए वृंदावन। ऐसा है कि समय का कुछ नहीं पता चलता भैया, निकलो कहीं के नाम के और पहुंचो कहीं पे, इसलिए कि जहां श्रद्धा होती ना आदमी अपने आप पहुंच जाता। बच्चों को भैया, लड़कियों को, औरतों को, कि रात की शादी हो या कैसी भी हो, परफ्यूम लगाए बिना नहीं निकलते हैं, और परफ्यूम से और बाल खोल के जो लड़कियां चलती हैं या मेहंदी लगा के, सबसे ज्यादा पकड़ती हैं उनको ये चीजें, और इन चीजों से बच के रहना चाहिए। आखिर ना ये जो जैसी लेडीज परफ्यूम लगाती हैं, बच्चे लगाते हैं, तो परफ्यूम से ही, खुशबू से ही तो आकर्षित होती है वे चीजें, और वो उसके साथ चल देती हैं, और उनको पता भी नहीं रहता कि हमारे अंदर कौन सी दूसरी शक्ति पर प्रवेश कर चुकी है।
इसलिए बेटा हर चीज से बचो, परफ्यूम से भी बचो, और जैसे चौराहे को भी देख के निकलो।